योजना है जो इनसे बात करे और इनको कोई आश्वासन दे। कैमरामैन सौरभ के साथ साकेत कुमार, टाइम सामना भारत, बेगूसराय। बेगूसराय में मंगलवार की शाम बाइक सवार दो बदमाशों ने बछवाड़ा थाना क्षेत्र में गोधना से गोलीबारी की घटना को शुरुआत की और चकिया में जाकर गोलीबारी की घटना को समाप्त किया। इस दौरान चार थाना क्षेत्रों में पांच जगहों पर 10 लोगों को गोली मार दी, जिसमें एक की मौत हो गई है। इस घटना के विरोध में भाजपा आज बेगूसराय बंद रखी है। आप देख सकते हैं कि NH 31 पर हर हर महादेव चौक के पास केंद्रीय मंत्री और बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह समेत भाजपा के तमाम नेता सड़कों पर जमे हुए हैं। बारिश भी हो रही है, लेकिन लगातार बढ़ते अपराध के खिलाफ भाजपा के लोग सड़कों पर उतरे हैं और आंदोलन कर रहे हैं। इस बीच बेगूसराय के सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भी हैं, उनसे किस तरह से अपराध बढ़ा है क्या कहेंगे? देखिए, बढ़ा है ये पूरा बिहार, केवल बेगूसराय नहीं, बेगूसराय या चप्पे चप्पे लोगों में आक्रोश है और आक्रोश के कारण सड़कों पर उतर आए हैं, क्योंकि अब यहाँ सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं रह गया। अभी तक 24 घंटा अब होने जा रहे हैं, 2 घंटे बाद वो 24 घंटा पूरेगा। अभी अपराधी नहीं पकड़ाया, एक की मौत हो गई, 9 जीवन और मौत से जूझ रहे हैं, उनके गरीब हैं, ठेला वाला, आइसक्रीम वाला, और नीतीश कुमार धृतराष्ट्र की तरह आंखें बंद करके सत्ता के मोह में सोए हुए हैं। मैं मांग कर रहा हूं कि इन गरीबों का इलाज कराएं या हम पर लाठी चलाएं, हम यहां बैठेंगे। गरीबों का इलाज नहीं हो रहा है, एक का मृत्यु हो गया, उसको कम से कम 1 करोड़ रुपया दें, उसकी पत्नी को नौकरी दें, और जो 9 लोग सरकारी अस्पताल से लेके प्राइवेट में है, उसको कौन देखेगा, कौन उसका इलाज कराएगा? क्या आपको लगता है बछवाड़ा से घटना शुरू होती है चकिया तक करीब 1 घंटे तक 7 थाना क्षेत्र पड़ता है, लेकिन पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर पाती है? थाना पुलिस और सुशासन रहेगा तब तो उसको होगा। थाना और पुलिस तो केवल नीतीश बाबू और तेजस्वी यादव के लिए है, और तो किसी के लिए नहीं। जिस दिन से सरकार बनी है इस जंगल राज की, लोगों में भय का वातावरण छा गया है, घर से शाम के बाद कोई निकलना नहीं चाहता, यह स्थिति हो। तो निश्चित रूप से बढ़ते अपराध को लेकर के भाजपा आक्रोशित है और NH को जाम पर, और यहाँ SDO और DSP साहब भी आए हैं जो आक्रोशित स्थानीय कार्यकर्ता हैं और जो भाजपा के लोग हैं उनसे बातचीत करने आए हैं। आपको और तस्वीर दिखाना चाहेंगे। यह NH 31 है, हर हर महादेव चौक के पास बैरिकेटिंग करके NH 31 को जाम कर रखा गया है। करीब 4 घंटे से NH जाम है और स्थानीय सांसद भाजपा नेताओं के साथ बारिश के बीच जमे हुए हैं और इनकी मांग है कि जब तक बदमाशों की गिरफ्तारी नहीं की जाती है और जो मृतक परिजन हैं उनको 1 करोड़ का मुआवजा और जो घायल हैं उन्हें सरकारी तौर पर इलाज का खर्च सरकार उठाए, इन्हीं सब मांगों को लेकर अभी भी भाजपा के लोग धरना पर बैठे हैं। NH 31 जाम है, हालांकि अधिकारी कई बार वार्ता के लिए पहुंचे हैं, लेकिन इनकी जो मांग है जब तक पूरा नहीं होगा तब तक ये धरना समाप्त और NH जाम मुक्त करने को तैयार नहीं है। सौरभ कुमार, कशिश न्यूज, बेगूसराय।